नमस्कार, वराह भगवान और पृथ्वी देवी का संवाद सुन रहे हैं और उसमें पृथ्वी देवी ने हमारे काम का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज उस प्रसाद को प्राप्त करें। पृथ्वी मैया ने कहा कि प्रभु, शालग्राम शिला में आप स्वभावतया सदा निवास करते हैं। जानते ही होंगे, घरों में शालग्राम जी विराजते भी होंगे, इसमें प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती। नर्मदा जी से प्राप्त जितने भी पत्थर हैं उनमें भगवान महादेव का स्वाभाविक सान्निध्य है, केवल आवाहन मात्र करना होता है। शालग्राम में विष्णु भगवान का केवल आवाहन मात्र किया जाता है, तो परमात्मा स्वभावतया सदा निवास करते हैं। पृथ्वी माँ पूछती हैं कि प्रभो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गृह आदि में साधारण रूप से किन की पूजा करनी चाहिए, अथवा विशेष रूप से घरों में कौन देवता पूज्य हैं, आप मुझे इसका रहस्य बताने की कृपा करें। साथ ही मुझे ये भी स्पष्ट करा दीजिए कि शिव परिवार के पूजन में कितनी संख्याएं होनी आवश्यक है। देखिए, कितने महत्व का प्रश्न पूछा पृथ्वी मैया ने, और भगवान वराह की, भगवान वेदव्यास की कितनी कृपा है कि हम सब तक ये बातें पहुंच रही हैं जो शास्त्र के अनुसार है और स्वयं भगवान की वाणी है। इस तरह से हमें अपने घरों में, अपने घर के मंदिरों में पूजा का सब व्यवस्थापन करना चाहिए। भगवान वराह कहते हैं कि वसुंधरे, गृहस्थ के घर में दो शिवलिंग, देखिए क्या नहीं होना चाहिए ये बता रहे हैं, कह रहे हैं दो शिवलिंग नहीं हो, तीन शालग्राम मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, दो गोमती चक्र नहीं होने चाहिए, दो सूर्य की प्रतिमाएं, तीन गणेश तथा तीन दुर्गा की प्रतिमाओं का पूजन करना ये निषिद्ध है, इस तरह से नहीं रखना चाहिए। कहते हैं विषम संख्या युक्त शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे अभी तीन बताया तो ये तीन पाँच सात ये सब विषम हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि युग्म में भी दो की संख्या नहीं होनी चाहिए, जैसे तीन नहीं होने चाहिए वैसे दो भी नहीं होने चाहिए, तो एक हो सकता है और फिर आगे सम संख्या, फिर एक के बाद फिर चार छः इस तरह से हो सकता है, तो दो नहीं, तीन नहीं, फिर पांच नहीं, सात नहीं, इस तरह से ये वराह भगवान ने हमको यहाँ पर बताया है। और विषम में एक शालग्राम का पूजन ये विहित है, इसमें विषमता का नहीं, तो एक है तो विषमता का दोष, लेकिन इसमें ये नहीं है, ये स्पष्ट रूप से वराह भगवान ने कहा है। गृहे लिंग द्वयम नार्च्यम शालग्राम त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्च्यम सूर्य द्वयम तथा गणेश त्रितयम नार्च्यम शक्ति त्रितयमेव च शालग्राम समाह पूज्या समेषु द्वितयम नहि विषमा नैव पूज्याः स्युर् विषमे तु एक एव हि। एक शालिग्राम की पूजा हो सकती है। कहते हैं अग्नि से जली हुई, ये खास ध्यान दें, कहते हैं अग्नि से जली हुई तथा टूटी फूटी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। वराह पुराण में स्वयं वराह भगवान का वचन है कि टूटी फूटी प्रतिमाएं हो तो उनका पूजन न करें, क्योंकि घर में ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से मन में उद्वेग या अनिष्ट होता है। शालग्राम की मूर्ति यदि चक्र के चिन्ह से युक्त हो तो खंडित होने पर भी उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो टूटा फूटा दिखने पर भी शुभप्रद माना जाता है। वैसे भी वो गंडकी नदी से प्राप्त जो पत्थर हैं वही शालिग्राम भगवान हैं, और वो कुदरती रूप से जो प्राप्त होते हैं वो एकदम अखंड हो, एकदम सुंदर हो, जैसे कारीगर ने बनाई हो, इस तरह की मूर्ति हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ये कहा गया कि उसमें चक्र का चिन्ह हो तो ये टूटा फूटा भी दिखे तो भी शुभप्रद माना जाता है, इसका पूजन जरूर किया जाए। कहते हैं देवी, जिसने शालग्राम की 12 मूर्ति का विधिवत पूजन कर लिया, देखिए ये सम संख्या है, 12, 13 नहीं चलती, 11 नहीं चलती, तो कहते हैं 12 मूर्ति का विधिवत पूजन कर लिया, अब मैं तुम्हें उसका पुण्य बताता हूँ। कहते हैं यदि 12 करोड़ शिव के लिंगों का सोने के कमल पुष्प चढ़ाकर 12 कल्पों तक पूजन किया जाए, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य केवल एक दिन की 12 शालग्राम की पूजा से होता है। श्रद्धा के साथ 100 शालग्राम का अर्चन करने वाला जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन स्वयं वराह भगवान कहते हैं कि मेरे लिए 100 वर्षों तक वर्णन करूं तो भी संभव नहीं है। अन्य देवताओं की तथा मणि आदि से बने हुए शिवलिंगों की पूजा सर्वसाधारण व्यक्ति कर सकते हैं, पर शालग्राम की पूजा स्त्री एवं हीन या अपवित्र व्यक्ति हो तो उसको नहीं करनी चाहिए। शालग्राम के चरणामृत लेने से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। शालग्राम का स्नान करा लिया आपने, वो जो जल है वही चरणामृत है, उसको लिया जा सकता है, जो भी लेता है उसके संपूर्ण पाप भस्म होते हैं। और इसमें कहीं नहीं लिखा कि स्त्रियों को नहीं लेना चाहिए, इन हीन लोगों को नहीं लेना चाहिए, अपवित्र लोगों को नहीं लेना चाहिए,
तो पूजा जिनको भी अधिकार है वे करें, लेकिन ये जो चरणामृत है सब लें, उनके सबके समस्त प्रकार के पापों का भस्म हो जाना लिखा है। फल कहते हैं शिव जी पर चढ़े हुए फल फूल नैवेद्य पत्र पत्ते और जल ये ग्रहण करना निषिद्ध है, क्योंकि भगवान महादेव पर चढ़ गया। और फिर कहते हैं कि वही यदि शालग्राम की शिला से उसका स्पर्श हो जाए तो वो सदा पवित्र माना जा सकता है। भगवान वराह कहते हैं कि देवी जो व्यक्ति स्वर्ण के साथ किसी भगवत भक्त पुरुष को शालग्राम की मूर्ति का दान करता है उसका पुण्य कहता हूँ। सुनो वसुंधरे, उसे वन एवं पर्वत सहित समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी सतपात्र ब्राह्मण को देने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर से सुने, शालग्राम की मूर्ति माने शालग्राम जी और नीचे कुछ सुवर्ण रखा हो तो ये सुवर्ण और शालग्राम जी देना, उससे संपूर्ण पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि यदि शालग्राम की मूर्ति के मूल्य का निश्चय करके कभी कोई उसे बेचता और खरीदता है तो वे दोनों ही निश्चय ही नरक में जाते हैं, न बेचना चाहिए न खरीदना चाहिए। वस्तुतः शालग्राम के पूजन के फल का वर्णन तो कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता, ये स्वयं वराह भगवान की वाणी है। शालग्राम जी हमारे कई लोगों के घरों में विराजमान हैं, बस उनके पूजन का यह महिमा ये बताया गया। भगवान महादेव का पूजन सब कर सकते हैं ये भी बताया, और कितनी दुर्गा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, कितनी सूर्य मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, ये सब बता करके फिर जैसे ये कहा गया कि 2 सूर्य प्रतिमा न हो तो 1 हो सकती है, ये हम अपने आप समझ लेंगे। फिर 3 गणेश नहीं होने चाहिए ये कहा तो 1 गणेश हो सकते हैं, ये तो हम समझ गए। तो इस तरह से वराह भगवान ने हमको सब अच्छी तरह से समझाया जो हमारे रोज काम लगने वाली बातें हैं। आज हमने ये प्रसाद प्राप्त किया, धन्य हुए, आप सबको प्रणाम।